पेशावर के एयरपोर्ट पर किया गया है। लिहाजा जनाब चेयरमैन, जब उनके पास कोई इसको लीगल कवर नहीं था, कोई लीगल उनके साथ उनको पार्लियामेंट ने किसी ने इजाजत नहीं दी हुई थी, लिहाजा ये अडॉप्ट ले हो गई थी। आज इसको अडॉप्ट किया जाए, इसको हमेशा के लिए हमने उनको कहा कि इसको ख़त्म करें। ECL का नाम मौजूद है, अगर आप नाम ECL में डालना चाहते हैं तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस तरह की लिस्टें जो हैं आप मेंटेन करती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री या उसके नीचे जो अटैच डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करते हैं पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ देने के लिए, कोई दुनिया में शायद कोई और मिसाल नहीं मिलती होगी कि एक आदमी के पास पासपोर्ट भी हो, उसके पास वैलिड वीज़ा भी हो, एयरपोर्ट पर पूछे और पहुँचे और वो कहेंगे जी आपके ट्रेवल आपके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, अगर आप मुनासिब समझें तो इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर अडॉप्ट होना चाहिए कि जब तक यहाँ कितने ज़माने से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है। अभी भी वो कह रहे थे कि 10,000 से शायद ज़्यादा लोगों के नाम थे जो अभी तो बिल्कुल हटा दिए गए, उन्होंने कहा था कि हम हटा देंगे, लेकिन इसका फॉलो अप ज़रूर होना चाहिए। यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने हमने कहा था कि आप हाउस में आके बताएं कि इस तरह की ट्रैवल जो पाबंदी है, लिस्ट है, हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे जितने भी डिपार्टमेंट है ख़त्म की जाए ताकि पाकिस्तान का वो शहरी जिसने कहीं भी जाना हो, अगर उसका नाम ECL में नहीं है तो उसे किसी भी एयरपोर्ट पर ना रोका जाए, ना ब्लैकमेल किया जाए और ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।